नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। ललितपुर से बड़ी खबर, 20,000 के इनामी हुए गिरफ्तार। पिछली दिनी हुई थी दही हांडी फोड़ने के चक्कर में मारपीट, हुई थी एक युवक की मौत। ताजा मामला ललितपुर जनपद के थाना बार अंतर्गत ग्राम बरौदा डांग का है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही मटकी फोड़ने के विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था। विवाद में गोलियां भी चली, जिससे एक युवक की मौत हो गई थी एवं घटना में घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं पुलिस अधीक्षक ललितपुर कैप्टन एमएम बेग ने आरोपियों पर इनाम घोषित कर उनकी धर पकड़ के लिए कई टीमें गठित कर जगह जगह छापामारी की जा रही है। पुलिस को जल्दी ही सफलता मिली और आरोपी गिरफ्तार हुए। आज पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों का विवरण, पहलवान सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, उम्र कर 51 साल, निवासी बरौदा डांग गांव, थाना बार ललितपुर। दूसरा आरोपी सुखपाल सिंह पुत्र नाम सिंह, उम्र करीब 26 वर्ष, ग्राम बरौदा डांग थाना बार ललितपुर। गिरफ्तारी करने वाली टीम को 20,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। मेरठ मित्र चैनल टीवी लाइव वेब न्यूज से नवीद खान की रिपोर्ट। अभी कुछ दिनों पहले घटना हुई थी जिसमें मारपीट हुई, फायरिंग वगैरह हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की डेथ हुई, उसको घायल हुए थे। उसमें नामजद अभियुक्तों की लगातार गिरफ्तारियां चल रही हैं। दो अभियुक्त जिनके ऊपर 20,000 रुपए के इनाम थे, आज गिरफ्तार करके आपके सामने लाए गए हैं। एक का नाम है पहलवान सिंह, दूसरा का नाम है सुखपाल। ये हत्या में शामिल थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको मुख्य भेजना है। इस तरह से सारे अभियुक्त लगभग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक अभियुक्त शेष है जिसको भी हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनके नंबर बना निकालने का पता सिखा। टोटल कितनी नामजद थे और 11 लोग नामजद थे, इनको मिला के अब 11 से 10 हो चुके हैं। एक शेष को हम जल्द गिरफ्तार करें। पूरा मामला क्या था सर? ये दही हांडी को लेके गांव के अंदर इन लोगों ने दो गुटों में टकराव हो गया था, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर बात बढ़ के मारपीट से फायरिंग तक हुई, जिसमें एक व्यक्ति डेथ हुई थी और कुछ लोग घायल हुए थे। इसमें 10 लोग इनको मिला के गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक शेष को भी जल्दी हम गिरफ्तार करेंगे। वैधानिक कार्रवाई सबके खिलाफ करेंगे। सभी को दोषी जो है मुझे नजर आएंगे।